हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेटेज अर्थमेटिक मीन, जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के सेंट्रल टेंडेंसी के मीन का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज अर्थमेटिक मीन। इसे हम एक्स डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार मीन का सिंबल होता है, डब्ल्यू मतलब वेटेज होता है। वेटेज अर्थमेटिक मीन प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक्स स्टडी। इकोनॉमिक्स स्टडी में वेटेज अर्थमेटिक मीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इज दैट इट गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स। वेटेज अर्थमेटिक मीन में सिंपल अर्थमेटिक मीन की तरह एक लिमिटेशन कॉमन है, वो ये है कि जिस तरह सिंपल अर्थमेटिक मीन में हर आइटम, हर ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही वेटेज अर्थमेटिक मीन में हर आइटम इम्पॉर्टेंस होता है। द वेटेज अर्थमेटिक मीन मे बी डिफाइंड एज दैट एवरेज विच इज़ डिनोटेड बाई अप्लाइंग वेट्स टू द आइटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इम्पॉर्टेंस। वेटेज अर्थमेटिक मीन को हम मीन के रूप में ही परिभाषित किया कर सकते हैं, जो वस्तुओं के भार को उसके सापेक्ष, उसके इम्पॉर्टेंस वेट के सापेक्ष उसे प्राप्त करता है। इस रूप में हम वेटेज अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय एक्स डब्ल्यू बार। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका फॉर्मूला होता है एक्स डब्ल्यू बार इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेयर एक्स डब्ल्यू बार इक्वल टू वेटेज अर्थमेटिक मीन का सिंबल है, एंड सिग्मा डब्ल्यू एक्स होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड वेट्स। सिग्मा डब्ल्यू का जो है इसका मतलब होता है सम ऑफ द वेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी दिए गए डेटा का हम कैसे वेटेज अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। कंप्यूट वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ डेटा गिवन बिलो। एग्जामिनेशन में सेमिनार, क्लासरूम, क्लास वर्क, मंथली टेस्ट, इसके मार्क्स दिए गए हैं 45, 65, 55 और इसका वेटेज दिया गया है, वेट दिया गया है 4, 2, 3। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका कंबाइन वेटेज अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन और मार्क्स और वेट, ये तीन कॉलम तो क्वेश्चन के ही हैं, सेम है। हम एक कॉलम और बनाएंगे एक्स्ट्रा, जिसे डब्ल्यू एक्स लिखेंगे। सेमिनार का देखो मार्क्स दिया 45, वेटेज है 4। क्लासरूम का मार्क्स है 65, वेटेज है 2। मंथली टेस्ट का वेटेज है 55, मार्क्स वेट है 3। पहले वेट को ऐड करते हैं सिग्मा डब्ल्यू, क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा डब्ल्यू का जो है नीड होता है, तो 4, 2, 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। अब डब्ल्यू एक्स करना है, 45 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, 65 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 होगा स्टूडेंट्स, 55 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 165 हो गया। अब इन सबको ऐड कर लिया तो ये आ गया 475। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे वेटेज अर्थमेटिक मीन का। तो एक्स डब्ल्यू बार का फार्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है 475 डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू है स्टूडेंट 9। तो 475 में 9 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 42.777। पॉइंट का तीसरा डिजिट जो है वो 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसे जब हम हाइड करेंगे ये जो है इसमें इसके पहले वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 52.78। ये हमारा कंबाइंड वेटेज अर्थमेटिक मीन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप द वेट्स गिवेन द वेरियस सब्जेक्ट वेयर डिफरेंट। ओनली 3 एप्लीकेंट फॉर द स्कॉलरशिप ऑब्टेन ओवर 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। द मार्क्स वेयर एज ऑफ द कैंडिडेट्स गेटिंग द हाइएस्ट मार्क्स इन टू द अवार्डेड टू स्कॉलरशिप हु शुड गेट इट। करें कि एक हमारा जो है स्कॉलरशिप के लिए एक कंपटीशन एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाता है, उसमें 3 जो है एप्लीकेंट जो है 50% जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसे क्वालिफाई करें हैं,
ए बी और सी। जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स है उसका वेट है 4, अकाउंटेंसी है उसका वेट है 3, इकोनॉमिक्स है उसका वेट है 2 और मर्केंटाइल लॉ है उसका वेट है 1। एप्लीकेंट ए ने मार्क्स जो ऑप्टेन करा है वो 63 है, 65, 58, 70 है। बी ने ऑप्टेन करा है मार्क्स 60, 64, 56, 80। सी ने ऑप्टेन करा है 65, 70, 63, 52। तो इन तीनों में कौन स्कॉलरशिप का जो है हकदार होगा ये हमें फाइन करना है। तो हमें इसमें वेटेज अर्थमेटिक मीन फाइन करना है स्टूडेंट्स। अब तीन कैंडिडेट हैं, तीनों का अलग अलग फाइन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। पहले यहाँ सब्जेक्ट हो गया स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, मर्केंटाइल लॉ है, उसका वेटेज दिया गया 4, 3, 2, 1। हम चूँकि फार्मूले में सिग्मा डब्ल्यू की नीड है इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम एप्लीकेंट ए को देखेंगे, ए के मार्क्स को X1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। X1 इसका देखो मार्क्स था 63, 65, 58, 70, 63, 65, 58, 70। अब इसका हम X1 निकालेंगे तो 4 में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 हो जाएगा, 3 में 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 195 हो जाएगा, 2 में 58 से मल्टीप्लाई करेंगे 116 हो जाएगा, 1 में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा और इसे हम ऐड कर लेंगे तो 633 हो जाएगा। अब ऐसे ही मार्क्स एप्लीकेंट बी का निकालेंगे, जो बी के मार्क्स थे 60, 64, 56, 80 को हम मान लेंगे X2 मान लिया। अब इसके W से WX2 निकालेंगे, तो 4 में 60 से मल्टीप्लाई करा 240 हो गया, 3 का 64 में मल्टीप्लाई करा 192 हो गया, 2 का 56 में मल्टीप्लाई करा 112 हो गया, 1 का 80 में मल्टीप्लाई करा 80 हो गया और इसे ऐड कर लिया 624 हो गया। ऐसे एप्लीकेंट सी का निकालेंगे स्टूडेंट्स, सी के मार्क्स दिए गए 65, 70, 63, 52, तो 4 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे 260 हो जाएगा, 3 का 70 मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा, 2 का 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 126 हो जाएगा, 1 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा और इन सबको ऐड करेंगे 648 हो गया। अब हम तीनों का निकालेंगे अलग अलग, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इसका निकालेंगे वेटेज मीन, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो वेटेज मीन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हमने रिप्रेजेंट किया X1W बार, क्योंकि ये एप्लीकेंट ए का है तो सिग्मा X1W अपॉन क्या हो जाएगा σW। अब इसका जो हमारा ऐड आया था स्टूडेंट आया था क्या 633/10 कर देंगे, 633/10 क्या आ गया 63.3, ये आ गया इसका वेटेज मीन आ गया ए का। ऐसे बी का निकालेंगे, वेटेज मीन ऑफ बी इक्वल टू X2W बार इक्वल टू हो जाएगा σW X2 अपॉन σW, इसका था 624, देखिए बी वाले का था 624 स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा क्योंकि हमारा σW क्या है 10 है, 10 से डिवाइड करा तो आएगा 62.4। एंड अगेन निकालेंगे वेटेज मीन ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा 648/10 इक्वल टू 64/8। अब देखो तीनों में सबसे हाईएस्ट जो है वेटेज मीन किसका आया है, द वेटेज मीन ऑफ सी इज़ द हाईएस्ट, क्यों, क्योंकि 64.8 63.3 और 62.4 से ग्रेटर है, जिसका हाईएस्ट वेटेज मीन आएगा वही जो है क्या होगा स्कॉलरशिप का हकदार होगा। हैंस सी इज इंटाइटल्ड फॉर स्कॉलरशिप, कहने का मतलब सी जो एप्लीकेंट है वो स्कॉलरशिप का हकदार होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब स्टूडेंट आपके सामने दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आपको करिएगा। जो होमवर्क का प्रॉब्लम नंबर 3 है वो सेम प्रॉब्लम नंबर 1 के अकॉर्डिंग करना है और इसका आंसर आएगा 139.75। और जो आपका होमवर्क का प्रॉब्लम 4 है ये सेम आपका प्रॉब्लम 2 के अकॉर्डिंग करना है और इसका जो आएगा कि यूनिवर्सिटी बी इज़ द बेटर देन यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी जो है वो बेटर आएगा, ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये आज क्लियर हो गया होगा कि हम वेटेज मीन क्यों निकालते हैं और वेटेज मीन्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।